everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the liquidation chapter, and we are going to discuss some of the calculative question related to liquidation. इसमें हम एक calculative question को solve करने वाले हैं, जिसमें commission, liquidation का remuneration, उसके ऊपर काफ़ी सारे calculations बनते हैं. तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, बिकॉज मैं ऐसे लास्ट मिनट रिविजन रिलेटेड वीडियोज, कंसेप्चुअल रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पे लाते रहता हूँ. चलो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लिक्विडेशन. तो इसके पहले मैंने लिक्विडेशन पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला था, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो वो पहले चेक करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए लिमिटेड वेंट इन टू वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑन 31st मार्च. तो ए लिमिटेड जो है वॉलेंट्री लिक्विडेशन में जा रहा है 31st मार्च को. 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, अमाउंट इज 2,50,000. देन वी हैव अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड वी ऑल्सो हैव प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. तो ये तीन अपने आप में कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीन कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, एंड ये तीन कंसेप्ट जो है इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन बनेगा. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड एंड प्रेफरेंशियल. देखो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट बनेगा. अभी बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड है 500, गुडविल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस. तो मैं क्विकली क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो जाए और आपको कंसेप्ट जल्द से जल्द समझ में आए. सो देखो, द लिक्विडेटर रियलाइज द फॉलोइंग असेट्स. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड टू पे द पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड, जो मॉर्गेज वाला कंसेप्ट आता है वो हम लोग अभी देखेंगे. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इट फेच रुपीज 15,000. अदर असेट्स रियलाइज दिया है, मशीनरी 50,000, स्टॉक रुपीज 20,000, डेटर्स है 25,000. The expenses of liquidation amounted to rupees 2,000 and the liquidator's remuneration was 3%. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Liquidator's remuneration was 3% on all assets realized and 2% on the amount paid to unsecured creditors. तो ये 2% on the amount paid to unsecured creditors, ये अपने आप में calculation concept है, ये calculative concept है, इसको आपको ध्यान से solve करना है. ये मैं अभी आपको करवाता हूँ किस तरीके से होगा. सो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, लिक्विडेटर्स का फाइनल स्टेटमेंट बनाना है. तो लिक्विडेटर्स का जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट है वो इस तरीके से बनेगा. कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए, जैसे लिक्विडेटर्स के रिसिप्ट साइड में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सबसे पहले हम शुरू करते हैं टू असेट्स रियलाइज. बैंक की वैल्यू मैंने लिख दी है 500, जो आपके क्वेश्चन से कॉपी किया है. अदर असेट्स रियलाइज, डेटर, स्टॉक एंड मशीनरी. तो ये मैंने एडजस्टमेंट में से लिखा है, लेट अस चेक. देखो अदर असेट्स रियलाइज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, मशीनरी 50,000, स्टॉक 20,000 एंड डेटर्स 25,000. तो आई हैव रिटन ऑल दिस पॉइंट्स ऑन द डेबिट साइड, दैट इज द रिसिप्ट साइड. तो डेटर्स वॉज 25,000, स्टॉक इज 20,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी इज अगेन 50,000. देन सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी आपके असेट्स किसी और असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड या पेमेंट रिलेटेड किया गया होगा तो उसको हमें अभी ध्यान से देखना है. तो यहाँ पे देखते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड. तो हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच दिया और उसमें से जितना भी पैसा आया उसमें से हमने पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया, लेकिन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से हमने जो पैसा अर्न किया है दैट इज जस्ट 15,000. तो 15,000 ही हमने पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर लिया. एक बार ऊपर देख लेते हैं. देखो आपका पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,20,000 है. तो 1,20,000 को तो हम पूरा पे नहीं कर सकेंगे, तो हमने कितना पेमेंट करना है उनको, सिर्फ 15,000 का ही पेमेंट हो पाएगा. तो बाकी का जो बचेगा वो आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ट्रांसफर हो जाएगा. सो लेट अस चेक कैसा पोस्टिंग होता है. तो इसका पोस्टिंग होगा टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज. असेट्स रियलाइज मैंने लिखा है 15,000, जो आपके फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है. तो यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाता हूँ. तो दिस इज द 15,000 विच वी हैव रियलाइज बाय सेलिंग दी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने माइनस कर दिया 15,000, तो आपका बैलेंस यहाँ पे नीला आ जाएगा. फिर नेक्स्ट मैंने लिख के रखा है कॉल्स ऑन इक्विटी शेयर्स, वो फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं आएगा बिकॉज सारे के सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप ही यहाँ पे दिए हुए हैं. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपको चेक करना है क्रेडिट साइड का, द लिक्विडेटर्स अकाउंट. अभी लिक्विडेटर्स अकाउंट में हमने दो पॉइंट सीखे थे, लिक्विडेटर्स कमीशन या रेम्यूनरेशन एंड लिक्विडेटर्स का एक्सपेंसेस. तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में जाते हैं. क्वेश्चन में आपको दिया है द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू रुपीज 2,000. तो लाइक एक्सपेंसेस 2,000 ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस लिखा 2,000.
अभी लिक्विडेटर्स कमीशन ये जो 5010 है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है। सो लिक्विडेटर्स कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, देखो सबसे पहले एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को पढ़ते द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वॉज एग्रीड एट 3% ऑन ऑल असेट्स रियलाइज। तो लिक्विडेटर्स का जो कमीशन है 3% ऑन ऑल असेट्स रियलाइज, तो 3% ऑन ऑल असेट्स रियलाइज कभी भी याद रखना, जब भी ऑल असेट्स रियलाइज बोलेंगे तब दैट इज एक्सेप्ट कैश और बैंक, कैश और बैंक। तो आपको बैंक और कैश जो है वो कमीशन में नहीं लेना है। अब इसको मैं देखते हैं हमने कैसे कैलकुलेट किया है। देखो सबसे पहले आपको चेक करना है बैंक की अमाउंट 500 ये हम नहीं लेंगे, 25,000, 20,000 और 50,000। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देखो 25,000, 20,000 एंड 50,000, इन तीनों को हमने प्लस किया है। प्लस हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी बेचा था, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी अगर लिक्विडेटर बेच रहा है तो उसके ऊपर भी वो कमीशन चार्ज कर जरूर करेगा, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 15,000। तो ये थे हमारे सारे असेट्स रियलाइज, लेकिन इस पे मैंने बैंक का अमाउंट नहीं लिया है। रीज़न, बैंक और कैश के ऊपर कमीशन चार्ज नहीं होगा। सो कितना परसेंट बोला है, 3%, 3% ऑन ऑल असेट्स रियलाइज। तो इन सारे अमाउंट्स को आप ऐड कर लेना, उसके ऊपर 3% आप ढूंढोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3,300। लेकिन और एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया है जिसके वजह से हमारा सम कैलकुलेटिव बन गया, एंड दैट इज 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर 2%। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं हमारे 50,000, आप इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते। रीज़न, क्योंकि लिए हमारे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में से 15,000 सेटल होके उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा वो भी हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करें, सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2% ऑफ द अमाउंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसिप्ट साइड का टोटल करना है। देखो रिसिप्ट साइड का टोटल अगर मैं देखूँ तो रिसिप्ट साइड का टोटल है 95,500। तो ये मैंने ऑलरेडी करके यहाँ रखा है 95,500। तो आपको क्या करना है, 95,500, ये 95,500 क्या है, दिस इज द टोटल रिसिप्ट्स। तो ये जो रिसिप्ट है इसका टोटल आपके पास अवेलेबल है 95,500। उसमें से हमें आपके क्रेडिट साइड के अमाउंट्स है वो सारे माइनस कर रहे हैं। देखो अभी क्रेडिट साइड में हमारे जो अमाउंट्स है वो आपको माइनस करने हैं। जैसे क्रेडिट साइड में हमारे पास ये जो एक्सपेंसेस, ये जो हमने एक्सपेंसेस ढूंढा ये भी हमारा माइनस हो जाएगा 3,300। ये कौन सा है, ये वाली अमाउंट है। 2,000 कौन सा है, 2,000 अब भी हमने यहाँ पे लिखा था, तो देखो एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया था लिक्विडेशन का 2,000 का, तो 2,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्लस ये 3,000, ये 3,000 कौन सा है, दिस इज द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बिकॉज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी क्वेश्चन से ही लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से अमाउंट आई 3,000, 2,000 जो अमाउंट है ये भी क्वेश्चन से आई है, 5010 हमने कैलकुलेट किया है वो मैं बताता हूँ अभी, हमने जो नीचे कैलकुलेशन करना है उसमें से आंसर आ जाएगा। सो 95,500 आपका टोटल रिसिप्ट्स है, माइनस 3,300 ये आपका जो आंसर यहाँ पे मिला वो लिया, 2,000 इज़ दी एक्सपेंसेस, 3,000 इज़ दी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो इन सबको 9,500 में से इन सबको आप माइनस करना, फिर जो भी आंसर आएगा एक्चुअल कमीशन हम लोग क्या कंज्यूम करने वाले हैं, 100 है, तो आपका 2% का कमीशन, तो टोटल वैल्यू 102 हो जाएगी। ऐसा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो वैल्यू आएगी, दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर, ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर 2% का कमीशन लेना है, लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम उसे 100 अज्यूम करेंगे प्लस 2% का कमीशन, मतलब 2% 100 के ऊपर 2% 2 ही आएगा, तो टोटल वैल्यू आपका बन जाएगा 102। तो इसीलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, 102 के लिए ये वैल्यू, तो 2 के लिए कितनी, तो आपको कमीशन मिल जाएगा 102 के लिए ये वैल्यू जो दी है, तो 2 के लिए
हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो इंटू टू डिवाइडेड बाय 102, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पेपर में 3 आया तो इंटू 3 डिवाइड बाय 103, 4 आया तो इंटू 4 डिवाइड बाय 104, यही आपको कंसेप्ट फॉलो करना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1710, 3300 में 1710 अगर प्लस करोगे तो आंसर मिल जाएगा 5010। यहाँ पे मैंने 1709 पॉइंट समथिंग आता है, तो यहाँ पे मैंने राउंड फिगर ले लिया है 1710, तो आंसर आ जाएगा 5010। तो ये दिस इज योर टोटल कमीशन, तो ये 5010 है, इसको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, लिक्विडेटर्स कमीशन, दिस इज फ्रॉम दी वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट से हमने कैलकुलेट कर लिया 5010। अगर कुछ अलग तरीके का कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया है तो वो इस टाइप में हो सकता है। एक तो लिक्विडेटर में पार्टली पेड अप वैरायटी है और एक तो लिक्विडेटर में फुल्ली पेड अप वैरायटी है। फुल्ली पेड अप में एक इजी क्वेश्चन भी आ सकता है या ऐसा कमीशन का थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी सॉल्व करवा दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये सभी आपने 9500 तो ऑलरेडी टोटल कर लिया था, इसी 9500 को आप यहाँ लिखेंगे 9500, और इसमें से आप माइनस कर देंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 3000, लिक्विडेटर्स कमीशन 5010 एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2000। तो बैलेंसिंग फिगर जो मिलेगा आपको दैट इज 85,490। अभी इतना होने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। देखो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो आपका जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसके ऊपर 2% आप ढूंढो। सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है 85,490, उसके ऊपर आप 2% कैलकुलेट करके देखना, आपको अमाउंट मिल जाएगी एंड दैट अमाउंट विल बी दिस 1710। सो दैट वॉज द कैलकुलेशन। सो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप है, इसको ध्यान से सॉल्व करें। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से एक बार चेक कर लेना कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। सो वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।